नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड ऑफ इरिगेशन यानी कि इरिगेशन टॉपिक कम्प्लीटली ओवर कर लिया था। आज हम देखेंगे वीडिंग। वीडिंग किसे कहते हैं, वीडिंग को रिमूव कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वीडिंग। अभी आप सभी को मालूम ही होता है, जो लोग यानी कि जिनके पापा फार्मर होते हैं, आप अगर अपने खेत में जाओगे तो फील्ड में हमने जो भी उत्पादन किया होता है उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप ही ग्रो होने लगते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं उस प्लांट्स को, उस अनवांटेड प्लांट को जिसको हमने ग्रो नहीं किया, वो अपने आप ग्रो हो गए, अपने आप कल्टीवेट हो गए। उस अनवांटेड प्लांट को, अनकल्टीवेटेड प्लांट को वीड्स कहते हैं, और उस वीड्स को रिमूव हम करते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब हम देखेंगे इसके बारे में, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडिंग। Weeds are unwanted and uncultivated plants that grow along with the crop plant. जो crop plant को हम grow करते हैं उसके साथ साथ जो unwanted और uncultivated plant grow हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं weeds. Weeds किसे कहते हैं? Unwanted plants को. If you visit a field, you will notice many weeds growing with the crop plant. अगर आप अपने फील्ड में जाके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने जो प्लांट को ग्रो किया है उसके साथ साथ अनवांटेड बहुत सारे वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। दिस वीड्स आर नॉट ग्रोन बाय द फार्मर, यानी कि ये जो वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इसको फार्मर ने ग्रो किया होता नहीं, यानी कि इसको हमने ग्रो किया होता नहीं। लेकिन जो क्रॉप प्लांट होता है उसको तो हमने ही ग्रो किया ना, उसके अंदर सीड्स डाले, फिर वाटर सप्लाई किया, फर्टिलाइजर डाला, उसके बाद वो क्रॉप ग्रो होते। लेकिन ये तो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, इसको फार्मर ने ग्रो किया होता नहीं है। दे ग्रो ऑन देयर ओन, ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वीड्स आर अमारंथस, चिनोपोडिया एंड वाइल्ड ओट। ये कुछ अनवांटेड प्लांट्स के नेम है। अभी आपको पता ही होता है कि जब बारिश का सीजन चल रहा होता है और आपके सामने बिना हाउस नहीं बने हुए यानी कि घर नहीं बने, सिर्फ लैंड ही ऐसा ही लैंड पड़ा हुआ है और बारिश हो गई, तो आप देखोगे कि बारिश के सीजन में वहाँ पे अपने आप प्लांट ग्रो होने लगते हैं, तो उस प्लांट्स को कहते हैं वीड्स, यानी कि जो अनवांटेड होते हैं। वहाँ पे हमने कोई सीड्स नहीं डाले लेकिन फिर भी वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में इस तरह के प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए। ये है वीड्स के एग्जांपल, वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। वीड्स रिड्यूस क्रॉप यील्ड एज दे कंप्लीट विथ द क्रॉप फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। लेकिन जो फील्ड में हमने क्रॉप डाला है, क्रॉप को ग्रो कर दे, उसके साथ साथ अगर वीड्स भी ग्रो होने लगे तो वो क्रॉप के यील्ड को कम कर देंगे, क्योंकि जितना मिनरल्स, जितना न्यूट्रिएंट, जितना पानी क्रॉप को चाहिए उतना ही वीड्स को भी चाहिए। अगर हम ये सब भी सोइल में डालेंगे और उस सोइल में क्रॉप भी ग्रो हो रहा है और वीड्स भी ग्रो हो रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आधा तो वीड्स ले लेगी और आधा ही हमारे क्रॉप को मिलेगा। फिर चाहे हमने गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, चावल का कर रहे हो, लेकिन जो भी है, अगर उसके बाजू में वीड्स ग्रो हो रहे हैं तो आधा न्यूट्रिएंट्स, आधा मिनरल्स कौन ले लेगा? वीड्स ले लेगा। इसीलिए वीड्स को रिमूव करना जरूरी है। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसीलिए टाइम टू टाइम वीड्स को रिमूव करना जरूरी है। जब छोटे छोटे वीड्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं तभी उसको रिमूव करना जरूरी है। अगर वो ज़्यादा बड़े हो गए तो उसके रूट्स भी ज़्यादा नीचे अंदर डेप्थ में चले जाएंगे। तो एट ए टाइम इंटरवल, थोड़े थोड़े टाइम टू टाइम में वीड्स को रिमूव करना जरूरी है। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम ए फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि इस प्रोसेस को, इस फील्ड में से हम वीड्स को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। अब देखो, वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। वीडिंग यानी कि वीड्स को रिमूव दो प्रोसेस में से किया, नीचे दिए गए कोई भी
एक प्रोसेस में से किए जा सकते हैं। दो टू मेथड दी गई, इसमें से कोई भी एक मेथड से वीडिंग प्रोसेस हो सकती है। फर्स्ट देखते हैं मैनुअल रिमूवल। द वीड्स आर रिमूव्ड आर पुल्ड आउट बाय हैंड और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड एट इंटरवल्स। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रोवर और ए हैरो। मैनुअल रिमूवल में क्या होता है कि हम अपने हाथ की मदद से ही, क्योंकि वो प्लांट्स तो छोटे छोटे ही होते हैं, इतने डेप्थ में उनके रूट्स गए हुए नहीं होते, अपने हाथ से ही उसको हम पुल आउट करेंगे। पुल आउट मतलब कि खींचना, तो वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अथवा तो कट कर देते हैं, उसके नीचे से हम उसे कट कर देंगे तो भी वो छोटे छोटे प्लांट्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और इसको करने के लिए टूल्स की मदद ली जाती है, एक तो ट्रोवल और दूसरा है हैरो। यानी कि यहाँ पे देखो, इसको कहते हैं ट्रोवल और इसको कहते हैं हैरो। इन दोनों की मदद भी लेते हैं हम वीडिंग यानी कि वीड्स को रिमूव करने में। मोस्ट ऑफ तो हम हाथ से ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो हम इन इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मैनुअल रिमूवल। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या है, तो कि रिमूव विथ केमिकल। केमिकल से भी इसको रिमूव किया जा सकता है। सर्टेन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए अभी थोड़े बहुत केमिकल्स भी अवेलेबल है। केमिकल विच डिस्ट्रॉय द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप आर कॉल्ड वीडिसाइड। यानी कि इसमें जो केमिकल्स हम यूज करने वाले, उसका एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि वो हमारे क्रॉप को, यानी कि हमने जो क्रॉप कल्टिवेट किया है उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। सिर्फ किसके ऊपर इफेक्ट उसका होना चाहिए, वीड्स के ऊपर। क्योंकि हम जब इस केमिकल्स को स्प्रे करेंगे तो वो तो सब क्रॉप के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन उसको कोई इफेक्ट होना चाहिए नहीं। तो इस तरह के केमिकल्स को कहते हैं वीडिसाइड, जो क्या करता है, सिर्फ वीड्स को ही डिस्ट्रॉय करता है, क्रॉप को कोई भी हार्म पहुंचाता नहीं है। और एक वीडिसाइड का एग्जांपल, यानी कि उसका नेम है कि 2,4-D इज कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड, यानी कि ए वाला वीडिसाइड ज्यादातर यूज होता है। अभी आपको वीडिसाइड नेम आसानी से याद रहेगा, क्योंकि पेस्ट को किल करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं उसको कहते हैं पेस्टिसाइड, और ये वीड्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसको कहते हैं वीडिसाइड। ठीक है, उसके बाद वीडिसाइड आर स्प्रेड इन द फील्ड विथ ए स्प्रेयर। वीडिसाइड को कैसे स्प्रे करते हैं, स्प्रेयर की मदद से। देखो, आपने देखा होगा आपके घर में, अगर आपके पापा एग्रीकल्चर यानी के फार्मर है, तो वो भी इस तरह से पंप की मदद से पूरे फील्ड में क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं केमिकल्स का। वो क्या होता है, तो कि वीडिसाइड। ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। कब ये स्प्रे करते हैं, जब वीड्स का ग्रो होने लगता है तब, यानी कि जब वीडिंग का टाइम आता है, थोड़े बहुत छोटे छोटे साइज के प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, तभी इसको स्प्रे कर देते हैं। वीडिसाइड आर पॉइजनस एंड केयर हैज टू बी टेकन व्हाइल स्प्रेइंग देम, व्हेन स्प्रेइंग देम। ये जो वीडिसाइड होते हैं, हमने बोला कि वो केमिकल है, तो ऑब्वियसली केमिकल तो क्या होते हैं, पॉइजनस होते ही है। तो इसलिए जब भी हम स्प्रे करें तब थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। द फार्मर शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ क्लॉथ व्हाइल स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। जो भी फार्मर वीडिसाइड को स्प्रे कर रहा है, तो उन्हें अपने मुंह को ढक देना चाहिए एक क्लॉथ की मदद से, उन अपने मुंह को एकदम अच्छे से कवर कर देना चाहिए, ताकि ये जो केमिकल्स है वो डायरेक्ट उनके ब्रीथ में अंदर ना चला जाए। इसलिए और अपने हैंड्स को भी कवर करके ही यूज करना चाहिए। इवन स्लाइट नेग्लिजेंस में इफेक्ट देयर हेल्थ, यानी कि अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई, हमने कवर अप नहीं किया, तो अपने हेल्थ को बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा सकता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारा हार्वेस्टिंग, यानी कि हमारी फसल पूरी से अच्छे से ग्रोथ हो गई है, फिर उसको हमें कट करके कलेक्ट भी तो करना पड़ता है ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो क्रॉप अच्छे से मैच्योर हो गया है, डेवलप हो गया है, उसका प्रॉपर ग्रोथ हो गया है, उसको कट करके गैदर करना, यानी कि कलेक्ट करके रखना, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। चलो, वंस अ क्रॉप इज मैच्योर फार्मर कट इट एंड गैदर इट। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि अगर जब एक बार
अच्छे से ग्रोथ हो जाता है क्रॉप का, अच्छे से वो मैच्योर हो जाता है, तो उसे कट करके कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रेबी क्रॉप हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च एंड अप्रैल, एंड पेडी क्रॉप, इन केस ऑफ पेडी यानी कि कैरिफ क्रॉप में हार्वेस्टिंग इज डन इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। यानी कि हमें पता ही है हमारे फील्ड में दो तरह, मैं एक साल में दो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप को, पहले 6 महीने अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, दूसरे 6 महीने अलग। यानी कि जो रेबी क्रॉप होते हैं उसको अगर हमने कल्टिवेट किया तो उसका हार्वेस्टिंग कब होगा, मार्च और अप्रैल सीजन में। और अगर हमने पैडी यानी कि कैरिफ क्रॉप को ग्रो किया है तो उसकी हार्वेस्टिंग होगी सितंबर और अक्टूबर मंथ में। यानी कि हम सबको पता है कि समर जब खत्म होता है तो सबसे पहले कैरिफ क्रॉप को ग्रो कर लेते हैं, यानी कि वो कल्टिवेट होके हमें सितंबर अक्टूबर में मिल जाएगा। फिर उसके बाद रेबी क्रॉप को वहाँ पे कल्टिवेट कर लेते हैं और उसका वापस कहाँ पे, यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ में हमें वो ग्रो होके मैच्योर होके मिल जाएगा, तो उसको कट करके हम कलेक्ट कर ले। तो इस तरह हर साल रोटेशन चलता रहता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर कट क्लोज टू द ग्राउंड, इन इंडिया इट इज डन ईदर। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो क्रॉप कल्टिवेट हो गए हैं उसको नीचे यानी कि ग्राउंड के नज़दीक में कट करके कलेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया में इस दो मेथड, इसमें से कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कौन सा मेथड है, तो कि मैनुअली विथ या सिक्कल, सिक्कल की मदद से। सिक्कल यानी कि आप सभी ने देखा ही होगा, घर में हमें दिखाई देता है, इसकी मदद से क्रॉप को कट करते हैं और कलेक्ट करते हैं। इंडिया में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरा है बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, इज फॉलोड बाई हार्वेस्टर विच इज अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर। एक तो सिकल की मदद से कट कर लेते, अथवा तो एक मशीन है जिसको कहते हैं हार्वेस्टर, ए ट्रैक्टर के साथ अटैच्ड होता है, इसकी मदद से पूरी फसल को काट कर कलेक्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ सीरियल क्रॉप्स हार्वेस्टिंग इज फॉलोड बाई थ्रेशिंग एंड विनोविंग। अगर अनाज है, अनाज का उत्पादन हो रहा है, तो हार्वेस्टिंग के बाद क्या करना पड़ता है, थ्रेशिंग और विनोविंग प्रोसेस भी करना पड़ता है। देखते हैं थ्रेशिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यानी कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से जो हमारा ग्रेन है यानी कि जो दाने हैं हमारे अनाज के खाने के, उसको अलग से सेपरेट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग प्रोसेस। थ्रेशिंग किस तरह से होता है, तो देखो मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, यानी कि कोई सख्त सब्सटेंस है उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी कि इसके ऊपर पीटते हैं। देखो यहाँ हार्ड सब्सटेंस है, आयन के बने, उसके ऊपर फसल को अच्छे से पटकते हैं, इसके ऊपर अच्छे से पीटते हैं, तो क्या होगा, जो दाने हैं गेहूं के वो सभी क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। दूसरा है बाई ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर, थ्रेशर की मदद से होता है, जैसे कि ये अभी हम नॉर्मली यूज करने वाले हैं, यूज होने वाला मशीन है थ्रेशर। थ्रेशर की मदद से भी फसल में से हमारे अनाज के दाने निकल जाते हैं। लेकिन ए फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। लेकिन अभी एक मशीन ये भी अवेलेबल है जिसको कहते हैं कंबाइन, इसमें क्या होता है, फसल कट भी हो जाती है और उसमें से दाने निकल भी जाते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और उसके बाद थ्रेशिंग प्रोसेस भी साथ में हो जाते हैं। उसके बाद है विनोविंग। विनोविंग में क्या होता है, तो कि आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन्स हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। थ्रेशिंग प्रोसेस हमने कर लिया, अनाज के दाने निकाल लिए, अब उसके अंदर थोड़ी बहुत लाइटर पार्टिकल्स यानी कि अनचाहे कुछ धूल वगैरह ये सब कुछ उसके साथ आएगा ना, चाफ यानी कि जो हमारी फसल है उसके थोड़े बहुत टुकड़े ये सब उनके साथ दाने के साथ, वो भी तो हमने पीटा है तो वो भी तो आएगा ना उनके साथ, तो कि उसको रिमूव करना है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, यानी कि हमारे अनाज में से जो अनवांटेड लाइटर पार्टिकल्स अथवा तो जो धूल किसी फसल के एक दो टुकड़े ये जो आ जाते हैं उसको रिमूव करना, किसकी मदद से, हेल्प ऑफ विंड, विंड की हवा की मदद से उसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को कहते हैं विनोविंग। विनोविंग प्रोसेस में क्या होता है, तो के ग्रेन्स को चाफ में से सेपरेट आउट करते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा हमारे घर में हमारी मम्मी क्या करती है,
इस तरह का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जब बाहर तेज पवन यानी कि तेज हवा चल रही होती है, तब जिस साइड पे हवा यानी कि विंड का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट साइड में खड़े रहकर ऊपर से गेहूं को डालेंगे तो क्या होगा, जो हेवियर पार्टिकल्स है वो डायरेक्ट नीचे जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर जाके रिमूव अलग से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो देखो, इन दिस प्रोसेस द थ्रेशोल्ड crop is dropped to the ground from a height. The grains or seeds being heavier fall almost straight down. The chaff being lighter is blown away by the wind. यानी कि इस प्रोसेस में ऊपर से क्रॉप को नीचे डाला जाता है, जो हेवियर पार्टिकल्स होगा वो डायरेक्ट नीचे जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो थोड़े दूर जाके गिरेगा, हवा के साथ वो भी फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह विनोविंग प्रोसेस में ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं, किससे, तो जो लाइटर पार्टिकल्स और अनवांटेड पार्टिकल्स है उसमें से इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब सब कुछ हो गया है, हार्वेस्टिंग भी हो गया, तो फिर उसे स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा ना। तो लास्ट पॉइंट है स्टोरेज। क्रॉप प्रोड्यूस इज स्टोर सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो उत्पादन हमने किया है वो पूरा साल सभी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी अगर अवेलेबल होना है तो उसे स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। यानी कि गेहूं हमने जब कल्टीवेट किया है फिर उसको तभी थोड़ी ना चाहिए, पूरा साल हम उसको खाते हैं तो उसको स्टोर करके भी तो रखना पड़ता है ना। तो जरूरत है किसकी, तो के स्टोरेज की। फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस कंटेन ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। जो ताज़ा यानी कि अभी अभी जो क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा, क्योंकि क्या होता है जो चिल क्लाइमेट होता है तब उसके ऊपर वाटर वेपर आ जाते हैं, तो जो क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है उसमें बहुत सारा भेज यानी कि मॉइस्चर होगा। इफ द ग्रेन और सीड आर स्टोर्ड इन दिस कंडीशन दे गेट स्पॉइल और अटैक्ट बाय माइक्रोब। अगर उसे इसी गीलेपन में रखा गया, स्टोर करके रखा गया, तो ये स्पॉइल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, अथवा तो उसके अंदर माइक्रोब्स भी अटैक कर सकते हैं। मॉइस्चर प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई। जो मॉइस्चर यानी कि जो भेज वाला पदार्थ होता है उसमें माइक्रोब्स और फंगाई को ग्रोथ होने में यूज हेल्पफुल होता है, इसीलिए वो वहाँ पे हो जाते हैं और हमारा अनाज पूरा सड़ जाता है। You will learn about it in chapter 2. इसके बारे में यानी कि मॉइस्चर बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसके बारे में आप चैप्टर 2 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हैंस बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स फॉर अदर प्रोडक्ट दे आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर। यानी कि उस अनाज को स्टोर कर रहे हैं यानी कि सभी क्रॉप्स को स्टोर करके रखने से पहले उसे सनलाइट में यानी कि सन के थ्रू ड्राई करना पड़ता है ताकि वो स्टोरेज के वक्त बिगड़ ना जाए। इसलिए तो कि ड्यूरिंग स्टोरेज फूड ग्रेन्स ऑल्सो हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेट्स वर्म्स एंड इंट्स। अभी हमने स्टोर किया उस वक्त सिर्फ माइक्रोब से ही नहीं लेकिन चूहे भी तो उसको थोड़ा बहुत खा जाते हैं, वर्म्स ईट इंसेक्ट्स इन सभी से भी स्टोरेज को बचाना पड़ता है यानी कि हमारे फूड को बचाना पड़ता है। तो देखो स्टोरेज इज डन इन फॉलोइंग वेज। इन दो तरह से स्टोरेज करते हैं, जब थोड़ा बहुत स्टोरेज करना, थोड़ा बहुत अनाज होता है थोड़ा बहुत क्रॉप को हमें स्टोर करके रखना पड़ता है स्मॉल स्केल में हो तो डोमेस्टिक लेवल में। देखो फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ईदर जूट बैग्स और स्मॉल मेटालिक बिन्स ऑफन ड्राइड नीम लीव्स और पुट वाइल स्टोरिंग एट होम दिस प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम वर्म्स एंड इंसेक्ट। जब हम घर में हमारे लिए स्टोर करके रखते हैं यानी कि थोड़ा बहुत स्टोर करके रखते हैं तो इस तरह के जूट बैग्स में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हम रखते हैं तब उसके अंदर सूखे नीम के पत्ते डाल देते हैं ताकि उनकी स्मेल से इंसेक्ट्स और वर्म्स उनसे दूर रहे। इसलिए तो इस तरह का स्टोरेज कब होता है, जब थोड़ा बहुत स्टोर करना होता है तब, लेकिन जब लार्ज स्केल में यानी कि आसपास के राज्यों तक पहुंचाने के लिए पूरी हर साल मिले हमें फैक्ट्री में से इस तरह से स्टोर करना हो तो किस तरह से करते हैं, तो कि फूड ग्रेन्स आर पुट इन ए गनी बैग्स और सिलोस और ग्रेनरीज इंसेक्ट सिलोस एंड ग्रेनरीज ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेड्स एंड इंसेक्ट्स थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट। यानी कि इस तरह से बड़े बड़े सिलोस में डाल देते हैं ताकि इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है ताकि रेड्स और इंसेक्ट्स इसके अंदर ना आए
अथवा तो इस तरह से भी स्टोर करके रखते हैं। ज्यादातर इस कंपनी में, फैक्ट्रीज में इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। बड़े बड़े सिलोस में ग्रेन्स को स्टोर करके रख देते हैं ताकि रेड्स और इंसेक्ट्स इसको अफेक्ट करें नहीं, इसलिए। तो ये हमने देखा स्टोरेज। लास्ट पॉइंट और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स में से कौन से फूड मिलते हैं, देखो। ए नंबर ऑफ फूड आइटम लाइक मिल्क, एग, मीट, हनी एंड फिश और ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स में से इस तरह के फूड मिलते हैं, दूध, अंडा, मीट, हनी, फिश, ये सभी हमें एनिमल्स में से मिलने वाले ही तो फूड है ना। रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि ज़्यादातर एनिमल्स में से जो फूड हमें प्रॉपर फूड मिलता है, शेल्टर यानी कि पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं, केयर भी मिलते हैं, तो वो सभी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा होते हैं लार्ज स्केल में, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, केयर दिया जाता है और शेल्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म। एनिमल्स ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, तो के फार्म्स में। एनिमल्स में से मिलने वाले फूड एग, मीट, हनी, फिश, ये सभी एनिमल्स में से मिलने वाले फूड हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर आपको लर्न अच्छे से करना है, रिकॉल करना है, ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छे से याद रह जाए और आंसर भी आपको क्विकली मिल जाए। चलो, नमस्ते।